अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। भाई कुराड़ गांव में बैठे हैं, कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है कुराड़। अरे एक समस्या हो रही है, समस्या वाय जो रोज नई नई वीडियो आओ हैं भाई, राम जाने इस दुनिया में के बिजली पड़ गई के नाश हो लिया। रोज जो मेरे द्वारा फोन आओ हैं डेली, इस भाई ने मैं 5 दिन तक टालन लाग रहा था भाई आऊँगा आऊँगा। ये जो छोटे छोटे जो बच्चे आपके साथ बैठ आप देखने लाग रहे हो ना, ये कितनी उम्र भाई इसकी? इसकी 2 साल कुछ महीने भैया, 2 साल 2 महीने। ये दूसरे भाई की ये गुड़िया है, इसकी 3 साल कुछ महीने। 3 साल के भीतर भीतर के 2 बालक हैं, इनकी माँ इनको छोड़ कर किसी दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप मर रहा है, जो कि यो भाई जानकारी देगा किसके साथ रहे है, कितने दिन तक रहे है, के कारण है, इसमें के कमी है जो इसको वो छोड़ के, इन छोटे छोटे थे कितने प्यारे बच्चे हैं, इनको छोड़ कर वो किसी के साथ गई। राम राम भाई। राम राम भाई जी। के नाम है आपका? गुरमीत नाम है जी, गांव कुराड़, तहसील कलायत, जिला कैथल है जी। मैं सर, मेरी बीवी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 2018 में 16 तारीख 6 महीना 2018 में मेरी शादी हुई थी उत्तर प्रदेश के सिसोनिया गाँव में जी। और जो कि हंसी खुशी मेरे 4 साल से ज़िंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। मेरी रिश्तेदारी पड़ती है बाड़ू में और वहाँ से प्रदीप नाम है, उसका फादर का नाम है इंदर रापड़िया पट्टी, गांव बाड़ू। ये भी कैथल में है? ये भी कैथल में है सर, इसका भी जिला कैथल और तहसील कलायत पड़ती है। उस लड़के का रिश्ता के बारे में, उसका फादर मेरे घर से आता जाता था कि भाई मेरे लड़के का रिश्ता करवा दे, रिश्ता करवा दे, भाई हमारे घर पे खाना बनाने वाली नहीं है कोई। वो क्या काम करता भाई? वो लड़का कुछ नहीं करता सर, उसने पहले भी जैसे ही मेरी बीवी को निकाला, उसने पहले भी किसी के ऐसे ही घर से बीवी को निकाल के और मर्डर किया था उसने 2013 के जनवरी महीने में, और कराड़ के सजुम्मा की सीम के ऊपर फंदा लगा के उस जनानी को टांग दिया था, और उसकी वो सजा काट चुका है, काटने लग रहा है, और अभी चंडीगढ़ बेल से है वो उस केस में वो, और अभी ऐसा ही केस उसने मेरे साथ में किया। अभी मेरी बीवी को भी वो ऐसे बुला फिसला के भगा के ले गया, और मेरी बीवी कोई दिक्कत नहीं थी सर, मेरा घर बिल्कुल आराम से चल रहा था, ना ही कोई नशा करता, ना ही मैं किसी चीज़, सिर्फ गांव समाज में दिहाड़ी दप्पा करके अपना गुजारा कर रहा था, अपने बच्चों का भविष्य बनाने की कोशिश थी पूरी, भाई बच्चों को अच्छा पढ़ाएँ अच्छा लिखाएँ। सिर्फ एक गलत आदमी की एंट्री मेरे परिवार में होगी, उसकी वजह से मेरा सारा घर बर्बाद हो गया, और वो उन्होंने बुला फिसला के मेरी बीवी को लेके गई। ये मेरे पास में एविडेंस है मेरी बीवी के सभी, जिस टाइम से वो आई थी वहाँ से उसका मैंने ये डोमिसाइल बनवाया, फिर उसके बाद में मैंने ये उसका ये डोमिसाइल है। कितनी पढ़ रही थी वो? वो कुछ नहीं पढ़ रही थी सर, वैसे तो नाम बोलने तो नौ पढ़ रही थी, और वो वैसे अनपढ़ गुवार जैसी है। ये सारे कागज हैं भाई उसके? ये सारे कागज हैं उसके, पेपर हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और ये जो डोमिसाइल है मेरे घर से गई थी वो 24/5/2022 को जी। और उसने फिर मैंने पहले एप्लीकेशन दिया कलायत थाना के अंदर, 168 नंबर FIR है, कोई पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने दिया SP साहब के यहाँ पे, SP साहब के यहाँ पे देने के बाद में दिया मैंने DSP साहब के यहाँ पे, DSP साहब के देने के यहाँ पे फिर मैंने लगाई CM विंडो पे, सर जी मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, भाई कोई कार्रवाई करो, प्रशासन की तरफ से मैं मदद मांग रहा हूँ। कोई प्रशासन ने मेरी हेल्प नहीं की किसी चीज़ में भी, उल्टा मेरे को ASI रामपाल जी है उसने थाने में मेरे को गाली गलौज करके और मेरे जीजा जी को दोनों को थाने से बाहर भगा दिया। क्यों? बोलने लगा भाई तू अपने हिसाब से, तू वकील है क्या, तू ये करेगा वो करेगा, तेरी जनानी बालिग है, वो जा सकती है, उसका जहाँ पे मन करता है वो वहाँ पे रहना चाहती है, फिर ये तो समाज में बहुत ही। सुनो, मैं इसका जवाब दूंगा अपने भाई। एक आज ना कानूनी तौर पे एक जो कानून है जिसका नाम है लिव इन रिलेशनशिप, इस लिव इन रिलेशनशिप का जो ये सारा कांड करया उड़ा ना, सारे नाश इस लिव इन रिलेशनशिप के करे हुए हैं। जैसे दरोगा जी ने SHO साहब ने इनको डांटा या इनके जीजाजी को जो डांटा, उसका रीज़न यही है कि वो लोग भी एक कानून के दायरे में हैं, उनके जब भी मतलब ये उनके पास जाते हैं तो वो लिव इन रिलेशनशिप वाला जो बालिग वो औरत है, सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि जो बालिग है चाहे ये भी किसी और औरत को लेके आ सके या उसके साथ रह सके है, वो भी किसी और के साथ रह सके, ऐसे कोई कानून उन्होंने तैयार कर रखे हैं। तो इसमें आप SHO साहब की तो गलती शायद नहीं मैं कहूँगा, अगर आपकी वाइफ जानबूझ के
बालिग है और वो जानबूझ के किसी और के साथ रहना चाह होता है, सोचो साहब बीच में क्या करे भाई, वो किडनैप करके ले जा रखी है, वो पकड़ के ले जा। सर मैंने उसके कार्रवाई के लिए बोला था सर, मेरे को तो वहाँ पे एक हफ्ता में 3-3 दफ़े थाना के अंदर बुलाया जाता था, और उसके परिवार से उसके गाँव से कोई भी आदमी को उसने पुलिस ने वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई पूछताछ नहीं की, कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं की मेरी तरफ से। उन्होंने सब हेल्प किया पैसे के चक्कर में, उसी का जो भी हेल्प होता है। जिस टाइम उसको उन्होंने वो पेश हो गए थे वो पुलिस थाना के अंदर कलायत में, तो उन्होंने बोला कि भाई वो गुरमीत को बुलाएं हम, या पता नहीं झूठ बोल रहे हैं भाई, बुलाया ना बुलाए, बोला ना बोलिया, तो बाद में बोल रहा था वो कि भाई वो बोलने लगी भाई नहीं उसको मत बुलाओ, वो सातिर किस्म का इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों मेरा कोई रिकॉर्ड निकाल के देखो भाई मैं कितना सातिर किस्म का इंसान हूँ, मेरे गाँव में जाके मेरे से पता करो, मेरे रिश्तेदारों में कहीं अगल बगल में पता करो भाई ये आदमी कितना शरीफ है, क्या आवारा किस्म का आदमी है। काम क्या करते हो? मैं दिहाड़ी दप्पा करता हूँ सर, बस इधर उधर वही बात है, जहाँ पे दिहाड़ी मिल जाती है वहीं पे मजदूरी कर लेते हैं अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए। अच्छा आप कोई नशा करते हो क्या, ड्रिंक वगैरह? किसी चीज का नशा नहीं सर जी, जिंदगी में जिस दिन से आज तक मैं पैदा हुआ हूँ, अगर कोई भी इंसान ये बोल दे भाई इसने उस दिन मेरे सामने बैठ के शराब पी है या किसी चीज़ का भी नशा किया है, सिर्फ खाली जिंदगी में आज तक मैंने बीड़ी पी है खाली, और वही बीड़ी हुक्का बीड़ी पीता हूँ, और मेरे अंदर किसी चीज़ का नशा नहीं है, ना ही मेरा कोई दिमाग पागल है, ना ही कोई मैं मेंटल हूँ, ना मेरे साथ में कोई ऐसी घटना है कोई, और ना ही मेरे परिवार में कोई उसको प्रताड़ित करने वाला था, ना तो कोई मेरी मम्मी थी, ना मेरा फादर था, ना मेरे भैया थे, कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसको मेरे घर से, मेरा घर सबसे अलग था, मेरे घर पर रह रही थी वो मालकिन थी खुद घर की, सारा काम वो अपने आप ही कर रही थी, जहाँ से उसको जो चीज़ लानी थी खानी थी पीनी थी वो खुद ला के दे रही थी, खुद कर रही थी, मैं उसको कुछ भी किसी चीज़ के लिए भी कभी तंग नहीं करता था। और वो फिर बोलती है कि भाई वो मेरे को शराब पी के मारता था, कभी बोलती है ये किसी जनानी के साथ में अफेयर था, कभी बोलती है, फिर उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, कोई अफेयर था है आपका किसी के साथ? मेरा कोई अफेयर नहीं है सर आज तक कहीं पे भी, अगर कोई भी बंदा आज भी आके मेरे सामने ये बोल देना हाँ भाई इसका इस जनानी के साथ में अफेयर था, तो मैं फिर जो वो दंड देगा ना मैं उस दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ आज तक भी। तो अब आप चाहते क्या वैसे? मैं तो यही चाहता हूँ जी अभी भी वो अपने घर आ जाए और अपने बच्चों का ख्याल रख ले, जो इंसान से गलती हो जाती है उस गलती को हम माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर आज भी तेरे लिए इतनी जगह है जितनी पहले थी, आज भी मैं तेरे को यही कहता हूँ भाई नीसा अपने घर आ जा वापस, अपने बच्चों की तरफ और मेरी तरफ देख ले, अपनी ज़िंदगी बन जाएगी आज भी, अब मैं बच्चों को रखूँगा क्या, दिहाड़ी करूँगा, मैं क्या चीज़ करके खाऊँगा? आपकी मम्मी पापा? पापा की डेथ हो चुकी है, मम्मी मेरी बुजुर्ग है, मम्मी मेरी कुछ कर इतना कर नहीं पाती है। तो देखो वीडियो बनवाई है जिस तरह से आपने, तो डायरेक्टली ये बात है भाई दुनिया इस वीडियो को देखेगी, दुनिया इस वीडियो को देखे, और भाई साहब ये रिलेशनशिप का जो ये गवर्नमेंट ने कानून निकाला हुआ है इस पे कोई ना कोई उपचार करो, इसको रोकथाम करो, ये तो हर एक इंसान की इज्जत बेइज्जती खराब करने वाला सिस्टम लागू कर दिया इन्होंने, इसमें किसी इंसान की कोई इज्जत का। अच्छा, आपको पहले ये नहीं लगा करता कि आपकी वाइफ का करैक्टर थोड़ा सा खराब है, ढीला है? मेरी वाइफ का कोई करैक्टर ढीला नहीं था सर, कोई खराब नहीं था, ये आदमी आया था मेरे घर पे 4th महीने की 23 तारीख को, प्रदीप है जो बालू वाला लड़का है, ये आया था 4th महीने की 23 तारीख को, और 24 तारीख को मेरी वाइफ अपने घर गई थी, उस टाइम ये उसको मोबाइल दे के चला गया, और ये उसको बोलने लगी भाई इसकी शादी करवानी है मेरी दीदी के साथ में, इसको इधर में लेके आना, मैं इसको 5th महीने की 6 तारीख को इधर से लेके गया, मेरे पास में टिकटों का सबूत है, जो रेलवे का टिकट है वो टिकट मेरे पास में आज भी है मौजूद, मैं उसको उधर में लेके चला गया, मैं तो उसका घर बसाने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मैंने अपनी साली का रिश्ता की मंजूरी भी करा दी थी वहाँ से मेरे सास ससुर को, मैंने सभी को बोल दिया था भाई लड़का का रिश्ता कर दो कोई दिक्कत नहीं है, इसका घर बस जाएगा, आपने अपनी लड़की की शादी करनी है, तो उन्होंने हाँ भर ली थी भाई ठीक है हम भाई शादी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में उसने बसाने की बजाय मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। क्या हो गया साहब ये? चला भी तो अब मतलब भाई आपने उसके परिवार से वहाँ जहाँ ब्याह रखे हो यूपी में उनसे बात करी? सभी जगह पे बात किया भैया मैंने, वहाँ पे गए भी हम सरपंच के साथ में भी, वहाँ पे भी पंचायत हुआ, सारे काम हुए, उस साइड में वो चली गई थी, उस साइड से वो फिर वो भगा के लेके आ गया उसको, वो उस गांव के सभी आदमी मेरे को पंचायत में गया था, किसी भी इंसान ने मेरे को गलत नहीं बोला, सभी आदमी ने उस लड़की को ही गलत, उसको मेरी घरवाली को ही गलत बोला भाई हाँ ये आवारा किस्म की औरत है, अब ये कहना मानने वाली नहीं है। और मेरे जब वो मेरे घर पर आई थी ना 3 दिन लगा के गई थी अब वो बार में, मेरा सारा तो गहना पहन के चली गई उसने, और एक SBI बैंक से भैंसों का 1,00,000 रुपए का लोन भी लिया हुआ उसने, मेरे को अब पता चला भाई उसने भैंसों का 1,00,000 रुपए का लोन भी निकाल रखा है,
1,00,000 रुपए का भैंसा का लोन लेकर खा गई वो, और सारी मेरी भीखो खाएगी। और जाते टाइम पे मेरे से वो 25,000 रुपया भी बोलने लगी, भाई 10-12 रोज में आ जाना आप उधर में, और मैं भी उधर में चलो कपड़ा लत्ता भी सिलवा लूँगी और मैं उधर में चली जाऊँगी। 25,000 रुपया लेके गई थी मेरे से, उसका मम्मी थी उसका पापा थे मेरे साथ में, उनकी टिकटें भी है मेरे पास में। और जब वो आई थी वो मेरे को एक बात और बोल रही थी कि भाई आप इतनी दूर चले जाओ बच्चों को लेके, आपकी जान को खतरा है। मैं प्रदीप से मैं बोलने लगा किस चीज़ का खतरा है मेरे को उससे, उससे मेरा मेरे को उससे क्या दुश्मन नहीं है वो, चलो ठीक है वो उसके घर पे है मैं अपने घर पे हूँ, मेरे को क्या उस चीज़। वो बोलने लगी उसके पास में पिस्टल है और वो तेरे को ख़त्म कर देगा, और उसके साथ में बंदे रहते हैं 2-4 इधर उधर से, और वो भी उसी की तरह हैं, और भाई तेरे को और बच्चों को खतरा है, तू बच्चों को लेके इतनी दूर चला जा जहाँ वो तेरे को पहचान भी ना पाए। मैं बोलने लगा भाई तू उसके उससे इस चीज़ से मत डर भाई, कहीं हो सकता है भाई तू दबाव में आके इस चीज़ के डर से उसके साथ में रहना मंजूर कर रही हो, भाई इस चीज़ से मत डरो, तुम मेरे पास में आओ, अगर कोई दिक्कत है ना तो अपना पुलिस का सहारा लेंगे कहीं और पे जाएंगे, भाई हम इसका ये पता करेंगे भाई किस चीज़ से डरा रहा है हमारे को। बोलने लगी उसके पास में पिस्टल है, नजायज़ कट्टा रखा है, पहले लेने के लिए गया था उसको मिला नहीं, दोबारा लेके आया वो, दोबारा लेके आके उसने घर पे रखा हुआ है, और जब भी कभी इधर उधर भी तू अकेला भी मिल गया ना वो तेरे को ख़त्म कर सकते हैं, भाई तू बच्चों को लेके इतनी दूर चला जा जहाँ वो तेरा कुछ बिगाड़ ना पाए, उसने मेरे को ये भी बोला है। उसके बाद में वो अपने घर चली गई, घर जाने के बाद में उधर में पंचायत हुई, पंचायत होने के बाद में वो उधर में वो लड़का और एक उसके साथ में और कैलरम गाँव से है कोई लड़का उसके साथ में, वो दोनों गए, और उस साइड से वो एक दिन पहले उसके मम्मी पापा को बोल के भाई हम जा रहे हैं ठीक है जी, अपना आपकी लड़की को जिसके यहाँ पे शादी लगी है उसी के वहाँ पे भेज देना। तो एक रोज़ वो वहाँ पे कहीं रूम ले कर रुके, उसके बाद में अगले दिन उन्होंने वहाँ से उसको भगा लिया, वहाँ से भी निकाल के लेके आ गए वो, अभी वो उसको अपने घर पर रख रहे हैं, अभी बाड़ू गाँव के अंदर है। उसके पापा और प्रदीप एक उसका भाई है, वो उसकी साजिश में नहीं है, जो उसका लड़का है ना प्रदीप है जो उसका भाई है जगदीश, वो उसकी साजिश में नहीं है, खाली उसका पापा और एक वो और एक कैलरम का लड़का, वो तीन आदमी मेरा घर बर्बाद करने पे पूरे बिल्कुल तुले हुए हैं। और जिसमें कि मैंने उनका घर बसाने की कोशिश की थी 4 साल से, मैंने उसके पापा का इज्जत किया, मेरी रिश्तेदारी थी उसके वहाँ पर, मैं उसको खाना भी देता था जब जाता था, भाई अंकल खाना खा लो, चाय पी लो, नहा लो धो लो, सब चीज़ का मैंने उसको अच्छी इज्जत किया, भाई मेरे पापा समान था वो। फिर उस आदमी ने भी मेरी कहीं पे भी इज्जत नहीं रहने दिया, अभी भी उसका लड़का रख रहा है उसको घर पे, वो बोल नहीं सकता है कि अबे बेटा तू क्यों कैसे गलत काम कर रहा है उसके साथ में, उस आदमी ने हमारी इतना इज्जत किया और मैं उसका घर बसाने की कोशिश कर रहा हूँ और उसने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। यार ये समाज के अंदर आज कोई रिश्तेदार को कोई नहीं ठहरने देगा, अगर मैं तो किसी के यहाँ पर कोई रिश्तेदार ठहरेगा ना मैं उसको ये बोलूँगा भाई रिश्तेदार को भी मत रखो, भाई रिश्तेदार ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और ऐसे रिश्तेदार किसी और का भी घर बर्बाद कर सकते हैं। भाई मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो बात वैसे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, ये गुड़िया है एक और है, ये तो आपने देख ही लिए, इनकी तो दया भाई मन में भी आओ है, आपने भी आओ समाज के हर आदमी ना होगी। रही बात बदमाश भाई प्रदीप आप जो भी हो, मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मेरे भाई, बदमाशी वाली तो कोई बात नहीं होती, आप इन छोटे छोटे बच्चों की साइड देखो, आपकी रिश्तेदारी है, ये आपका भाई है, आप इसकी साइड देखो। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये जितनी भी बातें जो कही हैं, ये जो आरोप लगाए हैं ये प्रदीप के ऊपर और इस भाई की वाइफ के ऊपर, क्या नाम आपकी वाइफ का, किरण के ऊपर जो सारे आरोप लगाए हैं वो इस भाई ने लगाए हैं, गुरमीत कुराड़ ने, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। अब के बेरा यो भाई सारी सच बोलता हो, दुखी आदमी कुछ भी कह होगा रो होगा, के बेरा यो ठीक हो के बेरा गलत हो, एक और भी है पवन भाई एक मिनट मेरे सुनो आप, के बेरा ये बंदा सही हो के बेरा ये बंदा गलत हो, मैं दूसरे पक्ष की बात भी सुनना चाहूँगा, अगर जो प्रदीप है या जो उसकी जो इसकी वाइफ को लेके गया है वो किरण है, इन बच्चों की माँ वो, या जो जहाँ ये इसकी शादी हो रखी है उत्तर प्रदेश में वो, कोई भी मेरे कैमरे के सामने आके बात करना चाहूँगे मैं उनसे बात कर लूँगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रदीप भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ है, माँ के बगैर तो बच्चे देख लो किस उसमें पढ़ते हैं, भाई रिक्वेस्ट है इन बड़का की माँ इनके पास वापस भेज दे, पर्सनली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एक चीज़ और भी है पवन भाई, ये भी होता है इंसान भाई कोई दुश्मनी हो, भाई मैंने वो दुश्मनी निकालनी थी, अरे तू ये तो समझ प्रदीप, मैंने तेरा घर बसाने की कोशिश की थी और तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया। यार मेरा घर अच्छा खासा बस रहा था, आज तक मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं थी, तेरी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, समाज मेरे को ताने देगा कल में। और फिर रही बात दूसरी, मैंने तेरा घर बसाने की कोशिश की, तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया,
अरे आप जो बोलते हो भाई दोनों पक्ष की, मैं दो पक्ष की नहीं बोलता पवन भाई, मैं ये कहता हूँ भाई तीन पक्ष की बात सुनो आप। उसके मम्मी पापा के पास में आपका जो खर्चा आएगा मैं वो खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप सिसोनिया में चलो मेरे साथ में, मैं वहाँ पे भी पूरे गांव समाज के सामने ये दिखावा दूंगा भाई 4 साल से भाई मैं कितना गंदा इंसान हूँ, और वो एक दो दफे गया उसने दो दफे में कितना अच्छाई का काम वहाँ पे किया, जिसमें कि मैं उसका मेरी साड़ी का रिश्ता लगवा रहा था, उसने मेरी घरवाली, और मेरी घरवाली से वो क्या करेगा, उसका वंश नहीं चलेगा, उसकी नसबंदी हुई है, बोल रहा है मैं नसबंदी खुलवा लूंगा, उसका फलान करा लूंगा, चल तू जो मर्जी करा ले, अगर परमात्मा के घर देर है ना देर नहीं है, मेरे तो मेरे पास में मेरे बच्चे हैं, मैं इनका भविष्य बनाऊंगा और तेरे से बढ़िया बनाऊंगा, मेरी वाइफ से बढ़िया बनाऊंगा, मैं अभी तक भी मैं ये बोल रहा हूँ, इनको देख इसके जाने के बाद में मैंने अच्छे स्कूल के अंदर डाला है, तो कितने खर्चा आ जाए भाई, मैं मेरे बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, पूरी मेहनत करूंगा दिन रात एक करके, मेरे बच्चों का भविष्य बनाऊंगा मैं जितना बढ़िया होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा। और रही बात दूसरी, प्रदीप ये जो तेरे जो प्रदीप अपने माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ कोई बुआ फूफी, तेरा किसी के साथ में रिलेशन नहीं है, किसी के साथ में भी उसका सिर्फ उसके पापा के विदाउट किसी का के साथ में रिलेशन नहीं है, और मेरे गांव में आके मेरे समाज में आके कोई मेरे रिश्तेदार नाते से पूछे ना भाई इसका किसी के साथ में रिलेशन कैसा है, अगर मेरे बारे में कोई एक भी इंसान ये बोल देना भाई ये इंसान गंदा है तो मैं उसी टाइम मुंह नहीं दिखाऊंगा। और जो रही बात पिस्टल वाली, जो मेरी बीवी ने बोला था उसके पास में पिस्टल है, अगर जे कोई मेरे साथ अगर मेरे बच्चों के साथ में कोई भी अगर हादसा हुआ ना तो मेरी मौत के और मेरे बच्चों के हादसा के जिम्मेवार प्रदीप और उसका फादर और मेरी घरवाली होंगे। ये बात सुन लो भाई, ये बात भी भाई गुरमीत ने कही है, गुरमीत कुराड़ ने। मैं सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्या ये लिव इन रिलेशनशिप चला दिया आप लोगों ने, इसके ऊपर संशोधन करो, इसके ऊपर संशोधन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि रोज ये मामले सामने आओ और एक नहीं एक दिन में 20-20 फोन आओ इस टाइप के, मेरी पत्नी चली गई किसी के साथ रह रही है, मेरा पति किसी के साथ रह रहा है, ऐसा मतलब माहौल हो गया है समाज में, कल हम किसी एक घर को इससे बचा के नहीं रख पाऊंगे, किसी की छोटे छोटे बच्चों की माँ देखो ये कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेटी देखो कितनी प्यारी है, और ये इसकी इसके पास इसकी माँ नहीं है। भाई प्रदीप प्लीज रिक्वेस्ट है, अब भी कुछ सोच ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो है मेरे तो पास तो मेरे बच्चे हैं, मेरा नाम चलेगा, उसका नसबंदी है उसका नाम भी नहीं चलेगा, तो वो जाने भाई रिक्वेस्ट है, आप एक बार सोचो, ये आपका परिवार है, ये आपका बड़ा भाई है, आपका घर का बंदा है, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ये अपनी वाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। पवन भाई मेरे घर पे गया, उसके जैसे अपना दामाद की इज्जत करते हैं ना ऐसे इज्जत किया मैंने, उसने उसका जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया यार, जिस थाली के अंदर उसने अपने मैंने मेरे घर पे बिठा के उसको अच्छी तरह नला दलो के खाना खिलाता था, भाई चलो कोई बात नहीं तेरे चाचा का लड़का है परेशान है ये घर से इनको खाना दो, मैं उसको इतना बढ़िया इज्जत करता था, उसने आज मेरी इतनी बढ़िया इज्जत किया यार, मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं था, कोई गाली गलोच नहीं थे, कोई किसी चीज़ का भी वो नहीं था पवन भाई, और उस आदमी ने मेरे को इतना बड़ा सजा दिया यार। चलो भाई इस भाई ने अपनी सारी बात रख ली, गुरमीत ने जो बात कही है उस पर प्लीज़ प्रदीप आप भी ध्यान करना, और इसकी जो वाइफ है किरण वो भी इन बच्चों की जो मम्मी है आप भी एक बार इन बच्चों की तरफ देखो, और मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप वापस आओ अपने घर को वापस बसाओ, भाई आपको रखने के लिए तैयार है, सारे भैया ने भाई मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, जय हरियाणा जय हरियाणवी जय हिंद सत्यमेव जयते।